हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अतुल एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मर्मर्स। मर्मर्स आर बेसिकली साउंड जो कि ब्लड फ्लो के टर्बुलेंस से बनती है। साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो across a defective valve, obstruction, so sounds that are produced due to turbulence of blood flow across a defective valve or obstruction. As we are talking about heart murmurs, so a heart murmur is either a systolic one diastolic or a continuous murmur. Systolic murmurs भी सिस्टोल के अर्ली पार्ट में हो सकती हैं, मिड सिस्टोल में हो सकती हैं, लेट सिस्टोल में हो सकती हैं और पैन सिस्टोलिक हो सकती हैं पूरे सिस्टोल में। Now before we understand that a murmur is either in the early part, mid part due to regurgitation or stenosis, first we understand the mechanism. अगर ये एक हार्ट का चैम्बर है, वेंट्रिकल सपोज, इसके दो वेल्व्स हैं, एक एवी वेल्व और एक आउटफ्लो वेल्व इसका। फॉर अगर इसको ब्लड पुश करना है थ्रू एओर्टिक वेल्व, इट मस्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले इसका एवी वेल्व बंद होगा, नहीं तो वहां से ब्लड लीक हो सकता है चैम्बर में, एट्रिया में। एवी वेल्व शुड क्लोज, इट डज नॉट क्लोज प्रॉपरली, डू नॉट क्लोज इट प्रॉपरली, इट विल रीगर्जिटेट। एंड देन सेकेंड, इट्स एओर्टिक वेल्व ओपन, इफ एओर्टिक वेल्व डज नॉट ओपन प्रॉपरली it will be stenosis valve. So if a murmur occurs in the early part of the systole when the ventricle is trying to close the its AV valve, so it must be a regurgitation murmur. If a murmur occurs in the late part of the systole or the mid part of the systole, it must be due to stenosis valve, because in the late part of the systole AV valve has closed but aortic valve has to open. So if it not opening properly, then it must be a stenosis valve. So basically murmur occurs due to defect of the valve, either it will be a regurgitating valve ya fir ek stenosis valve hoga. So agar regurgitating valve hai to hamesha wo early murmur karega, अगर वो स्टीनेस वेल्व है तो वो डिलेड मर्मर करेगा। अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अर्ली मर्मर इज रीगर्जिटेशन मर्मर एंड लेट इज एंड डिलेड इज स्टीनोस मर्मर। Now, heart murmur, systolic. Systolic can be either
अर्ली सिस्टोलिक, मिड सिस्टोलिक, लेट सिस्टोलिक एंड पैन सिस्टोलिक. अर्ली सिस्टोलिक, अर्ली मीन्स रीगर्जिटेशन, अर्ली मीन्स रीगर्जिटेशन. एंड फॉर सिस्टोल, फर्स्ट वेंट फॉर सिस्टोल, पहला वेल कौन सा है जिसको बंद होना है, वो एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व है. सो इट मस्ट बी रीगर्जिटेशन ऑफ माइट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन एंड इट इज एक्यूट एम आर. फॉर मिड इट शुड बी स्टिनोसिस, मिड मर्मर इट शुड बी स्टिनोसिस. नाउ फॉर सिस्टोल, द लेट और द नेक्स्ट वेल्व टू एक्ट इज एओटिक एंड पल्मोनरी, सो शुड बी एओटिक एंड पल्मोनरी स्टिनोसिस. इन द लेट पार्ट ऑफ द सिस्टोल विच मर्मर हैज अकर्स, इन द लेट पार्ट व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स मोर एंड मोर, द एवी वेल्व्स जो कि क्लोज हो चुके हैं अगर वो सही नहीं है, जैसे माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स वाली कंडीशन होती है तो माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स कर जाती है उनकी लीफलेट्स ज़्यादा फोर्स लगने से. सो देन अगेन रीगर्जिटेशन अकर्स एंड इट प्रोड्यूसेस अ माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स मर्मर. पैन सिस्टोलिक, पूरे सिस्टोल में मर्मर आ रहा है, मतलब पूरे सिस्टोल में कोई एक ऐसा पार्ट है जो एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से कनेक्ट कर रहा है, तो वो होता है या तो क्रॉनिक माइट्रल रीगर्जिटेशन में या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में. दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरे सिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा रहेगा, इसलिए पैन सिस्टोलिक मर्मर आएगी. वाई नॉट ए एस डी, ए एस डी में क्यों नहीं आती, क्योंकि दोनों चैम्बर्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है एट्रियल चैम्बर्स में, इसलिए उसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर नहीं आती, जबकि बी एस डी में आती है. नाउ सेकेंड हार्ट मर्मर इज डायस्टोलिक मर्मर. डायस्टोलिक मर्मर क्या ना, इधर भी अर्ली, मिड और लेट, बट नॉट पैन, पैन डायस्टोलिक. बिकॉज व्हेन द डायस्टोल, व्हेन द चैम्बर, जब चैम्बर डायस्टोल में है तो इट मींस उसका प्रेशर बहुत ही कम है. जब प्रेशर ही नहीं है तो मर्मर कैसे हो सकती है, पूरे पूरे डायस्टोल में किसी एक पार्ट में हो सकती है. अर्ली मतलब रीगर्जिटेशन मर्मर एंड डायस्टोल, डायस्टोल में पहला वेल्व होता है एओटिक और पल्मोनरी, क्योंकि डायस्टोल की शुरुआत ही उन दोनों के वेल्व से बंद होने से होती है, तो अगर वो वेल्व ढंग से बंद नहीं होगी तो रीगर्जिटेट करेंगे. सो अर्ली मीन्स रीगर्जिटेशन एंड डायस्टोलिक मीन्स एओटिक एंड पल्मोनरी रीगर्जिटेशन. मिड मीन्स, और मिड और लेट मीन्स स्टिनोसिस, मिड और लेट मीन्स स्टिनोसिस. एंड फॉर डायस्टोल सेकेंड वेल्व इज एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व, बिकॉज इन डायस्टोल फर्स्ट एओटिक और पल्मोनरी वेल्स क्लोजेस एंड देन एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्स ओपन, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल, सो इट मस्ट बी माइट्रल स्टेनोसिस. नाउ वी टॉक अबाउट कंटिन्यूस मर्मर्स. कंटिन्यूस मर्मर मीन्स विच अगर बोथ इन सिस्टोल एंड डायस्टोल, मीन्स देयर इज अ pressure difference which is creating murmur and it is both in systole and both in diastole. It is seen in PDA, patent ductus arteriosus, venous hum, collaterals. And PDA, venous humps, collaterals, AV fistulas. Because here pressure difference हमेशा हमें प्रेशर डिफरेंस होता है, चाहे सिस्टोल हो या डायस्टोल हो. PDA मर्मर इज नॉन एज जिप्सियंस मर्मर. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल मर्मर्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट. ऑल मर्मर्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट आर डायस्टोलिक मर्मर्स एक्सेप्ट PDA.
That is Gypsy's murmur. So if a murmur is early diastolic, it should be early means regurgitation and diastolic. सो डायस्टोल के लिए पहला वेल्व होगा बिकॉज अर्ली पार्ट में पहला फर्स्ट वेल्व इज टू ओपन और क्लोज. सो डायस्टोल में पहला वेल्व क्लोज होगा एओर्टिक और पल्मोनरी. सो इट मस्ट बी एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन.